हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला शेयर प्राइस। आज हम बात करेंगे स्टूड इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि अपना लगातार सर्किट पर सर्किट लगाया जा रहा है। और इसके 52 हफ्ते की बात की जाए तो 52 हफ्ते का ये लो 33 पैसे है और 52 हफ्ते का हाई जो कि 63 पैसे है। और इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो इसमें मात्र 20,863 का वॉल्यूम हो रहा है। तो आप भी स्टूड में पैसे लगाकर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। और कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में प्लास्टिक सेक्टर से रिलेटेड है और इसमें प्लास्टिक के काम होते हैं। और ये और इसके मार्केट कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी मार्केट कैपेसिटी नाम मात्र 7 करोड़ की है। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें जो बिग शार्क है वो आप देख के हैरान हो जाएंगे। बिग शार्क पंजाब नेशनल बैंक की जो कि हिस्सेदारी है वो 14% हिस्सेदारी स्टूड इंडस्ट्री में है, और इंडियन बैंक की 10% हिस्सेदारी है, और अमित गुप्ता जो कि होंगे कोई इन्वेस्टर उनकी 28% हिस्सेदारी है। पंजाब नेशनल देख लो वो 14% हिस्सेदारी, इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और देख लो ये बैंक भी जो आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो इससे बढ़िया आप छोटे में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ये आपका पैसा ही इन्वेस्टमेंट करके छोटी छोटी कंपनियों में लगाकर हाई रिटर्न लेके आपको मात्र नाम मात्र रिटर्न देते हैं। तो ये बात आप सोचना जरूर। और इसके जो प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्हें 1 हफ्ते में 23% का रिटर्न दिया है, और 1 महीने में -4% का रिटर्न दिया है, और 3 महीने में यह पूरा पैटर्न देख सकते हैं। उसकी डिलीवरी की बात की जाए तो इसमें 21,000 का वॉल्यूम हुआ है। और इसके जो कि देखा जाए फंडामेंटल देखा जाए तो इसका रेवेन्यू दिन पे दिन कम ही हो रहा है। आप देख सकते हो पिछले 2017 से इसका रेवेन्यू घटा जा रहा है, आप इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हो। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट इसका जो पिछले 158 था माइनस में 2020 में वो कम हो गया, 129 रह गया। तो ये थोड़ा हो सकता है सेटलमेंट हो जाए और आने वाले समय में ये अच्छा प्रॉफिट बना सके। EPS भी इसका माइनस में, कंपनी में कुछ नहीं है लेकिन ये इसके बिग शार्क जो है कि अपना उठा रहे हैं। और BPS की बात की जाए तो वो भी बड़ा माइनस में है, -13.41 है। ROE की बात की जाए तो ROE तो इसका 0 ही है। और कंपनी पर डेप्ट की बात की जाए तो डेप्ट नाम मात्र है, ये अच्छा पॉइंट है कि इस पर कंपनी में कर्जा बहुत ही कम है। तो आप और शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात की जाए तो इसमें प्रमोटरों की हिस्सेदारी आप देख सकते हो कि 24% है, और DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है उनकी जो है होल्डिंग 25% है, और पब्लिक की 50% है। कुल मिला के 25-25 फॉरनर, 25 डोमेस्टिक और 25 वो पब्लिक हम जैसे लोग, और इनकी हिस्सेदारी इतनी है। तो इसमें प्रमोटरों ने जो कि अपने शेयर सारे गिरवी रख रखे हैं, प्लेज और एज द प्रमोटर ऑफ द शेयर, जो कि ये थोड़ा माइनस पॉइंट है, ये बहुत ही माइनस पॉइंट है। इसमें प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख रखे हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। FII तो है ही नहीं, FII और DII की होल्डिंग जो कि आप देख सकते हो वो भी दिन पर दिन अपना डिक्रीज कर जा रहा है। पिछले साल सितंबर में इसकी जो होल्डिंग थी वो 35.71 थी, और उन्हें घटा के लास्ट में 25-25 कर दिए। दिसंबर से उन्हें अपनी होल्डिंग उतनी ही रखी है, 25-25। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जो आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न में। तो इसकी ये पब्लिक तो ऐसे बढ़ाती है, इन्हें प्रमोटर की सारी गेम होती है। पब्लिक जैसे गिरता है वो खरीद लेती है, तो प्रमोटर पे ही सारी गेम चलती है। अगर वो चाहे ऊपर ले जाए और वो चाहे नीचे ले जाए, अदर की बात की जाए अदर के उसका किसी ने लिया ही नहीं है। तो आप इसमें अपना डबल प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव अभी इन्हें सर्किट लगाना चालू किया है, तो ये अपना 80 पैसे से नीचे तो रुकने वाला नहीं है। और आप इसे 9 से 10 बजे के बीच में ही खरीद सकते हो, क्योंकि इसके बाद ही इसमें सर्किट लग जाती है, तो फिर आपको शेयर मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप अगर आप इस शेयर पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना यार, आगे अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको इस शेयर कैसा लग रहा है और क्या प्राइस है। थैंक यू।